हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेतल क्राफ्टी। आज हम बनाएंगे छोटे से लेस से ब्यूटीफुल बैंगल्स। तो हमें पुरानी वाली बैंगल ले लेनी है और वो छोटा सा लेस का पीस, उसे हमें ग्लू लगाकर इसी तरह से ड्रेप करना है। रोटेट करते जाओगे तो फिर ये बैंगल हो जाएगा रेडी ब्यूटीफुल। अब हमें थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करके उसे वापस रोटेट करके स्टिक कर देना है, फिनिशिंग दे देना है। इसी तरह से मुझे तीन बैंगल चाहिए। ये मैंने लिया है थोड़ा सा थिक बैंगल, अब मैं लूँगी थोड़ा सा थिन बैंगल। तो अब उसी तरह से हम सेम प्रोसीजर यूज़ करके हम उसे भी रोटेट करके स्टिक कर देंगे। इसी तरह से मैंने तीन बैंगल्स बनाए हैं नवरात्रि के लिए स्पेशल। किसको किसको नवरात्रि पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो गरबा लेना बहुत पसंद है, आपको? और ये हो गया हमारा दूसरा बैंगल रेडी। इसी तरह से मैंने तीसरा भी रेडी कर दिया। अब हम ये बैंगल को डेकोरेट करेंगे। मैंने ब्लैक इसीलिए बनाया है ताकि वो सारे में मैच हो जाए, और ये मैं बैंगल भी कलरफुल करने वाली हूँ। अब मैं ग्लू लगाकर सीक्वेंस लगा दूँगी सिल्वर वाली, जो पुरानी थी। और बोलते हैं ना, पुराने पहले के ज़माने में इसे कुबा वाली टिक्की बोला जाता है, वो मैंने यूज़ किया है ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल और लगे। अब मैं थिक वाले बैंगल को भी डेकोरेट कर दूंगी, पर कवरी शेल्स है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक थोड़े थोड़े एक एक इंच के दूरी पर कवरी शेल्स लगा दिए हैं। इसी तरह से हमें हमारे तीनों बैंगल्स रेडी हो चुके हैं। लग रहा है ना ब्यूटीफुल? पिंक रेड, आप सारे चनिया चोली में ये पहन सकते हो। वाइट हो, ग्रीन हो, रेड हो, पिंक हो। इसी तरह से हमारे तीनों बैंगल्स रेडी हो गए। इसे और थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैंने टू कवरी शेल्स के बीच में वापस सिल्वर सीक्वेंस लगाया है। आप देख सकते हो जो मैंने 1 इंच का स्पेस रखा था वहाँ पर मैंने सीक्वेंस लगा दिए, और ये हमारा हो गया ब्यूटीफुल बैंगल्स रेडी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।